एक राजा का वजीर हर वक्त यही कहता रहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक बार उसके बेटे की टांग किसी दुर्घटना में चोटिल हो गई और टांग को काट देना पड़ा, तब भी वह बोला जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा बोला तुम भी क्या बोलते रहते हो, इसमें भला क्या अच्छा हुआ। मेरे बेटे को सारी जिंदगी अब एक ही जूता पहनने की जरूरत रहेगी, आधे खर्चे में काम चल जाएगा। राजा निरुत्तर हो गया। एक दिन की बात है, राजा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था कि अचानक तलवार से उसकी एक उंगली कट गई। उंगली से खून बह रहा था, उसका हाल बेहाल था, बहुत दर्द हो रहा था, परंतु अपनी आदत से मजबूर वजीर के मुंह से निकला जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया, उसने हुक्म सुनाया इस बेवकूफ वजीर को कारागार में डाल दो। वजीर को कैद कर लिया गया। बात आई गई हो गई। चंद रोज बाद राजा जंगल में शिकार करने निकला, रास्ता भटक गया, अकेला भूखा प्यासा मारा मारा फिर रहा था कि अचानक आदिवासी जंगलियों ने उसे पकड़ लिया। अपने देवता को खुश करने के लिए उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने के लिए राजा को बांध दिया। जैसे ही तलवार से राजा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई गई, अचानक एक आदिवासी ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। राजा को छोड़ दिया गया, क्योंकि बलि संपूर्ण व्यक्ति की ही दी जाती थी। राजा को अंग भंग करार देकर जाने दिया गया। 2 दिन बाद राजा अपने राजमहल में वापस पहुंचा। उसने वजीर को छोड़ने का हुक्म दिया। वजीर को सम्मान सहित यहाँ लाया जाए। वजीर हाजिर हुआ। तुम जो कहते थे ठीक ही कहते थे, अगर मेरी उंगली कटी हुई ना रहती तो आज तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने जीवित नहीं होता। चलो मेरी बात तो ठीक है, परंतु तुम्हारे मामले में ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें सजा तो बेकार में ही मिल गई। नहीं महाराज, अगर आप मुझे सजा नहीं देते तो शिकार के वक्त मैं आपके साथ होता, आदिवासी मुझे भी पकड़ कर ले गए होते, आपको तो छोड़ देते, परंतु मेरी बलि तो चढ़ जाती, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्यों बच्चों, मजा आया ना ये कहानी सुनकर? हाँ।